अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेमेंडर मैजिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है उसकी CS401। इसके प्रैक्टिकल बुक का भी मैं आपको असाइनमेंट जो है वो जिसकी 2 तारीख है 2 मई उसके बारे में भी बताऊंगा, और जो ये इसकी बुक है उसकी असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा। दोनों की पहली पहली असाइनमेंट है, तो दोनों ही सेम है तकरीबन, तो दोनों के कोड भी मैं इसी वीडियो में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको वीडियो के जो दरमियान में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आपने वो कोड हासिल करना है, वो तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले जो है यही कि आपने जो फाइल जो है डॉक्स फाइल ये आपने जिप में नहीं जमा करवानी, सिंपल वर्ड फॉर्म में आपने ये जमा करवा देनी है, जिसका ये देखें स्क्रीनशॉट भी आपने जमा करवाना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, जो असेंबली लैंग्वेज है, अब हमारे पास ये टास्क है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। ये देखें, पहले स्टोर द न्यूमेरिक पार्ट ऑफ द VUID, जो आपकी VUID है ना, BC 1 2 3 1 digit 9 digit होते हैं BC के बाद, वो वाले जो है वो मेमोरी में स्टोर करने हैं। फिर लार्जर डिजिट ऑफ योर VUID स्टोर इन मेमोरी, फिर जो लार्ज नंबर है, जैसे कि आपकी VUID में 7 सबसे बड़ा है, वो आपने स्टोर करवाना है। फिर ईच न्यूमेरिक डिजिट आर जो सब माइनस करना है, ईच न्यूमेरिक डिजिट ऑफ VUID फ्रॉम लार्जेस्ट डिजिट, ठीक है, जो लार्जेस्ट डिजिट है उसमें अपनी VU के हर एक को माइनस करना है, स्टोर इन सेकंड अरे, फिर स्टोर करना है सेकंड अरे में, सॉर्ट एंड स्टोर अपडेट VUID, फिर आपने सॉर्ट करनी है कि मतलब सबसे छोटा स्टार पे आ जाएगा, उससे बड़ा, और उसके बाद अपडेट करनी है अपनी VUID को। तो नीचे इन्होंने नोट में भी बताया है कि ये BC से आगे वाला है जो आपने ऐड करना है पार्ट, सर्वमेंट डिटेल जो है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ये वर्ड फॉर्म में आपने इसका स्क्रीनशॉट और कोड जो है MS वर्ड में जो है सेव करके फाइल अपलोड करनी है। ये इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। तो चलते हैं, मैं सबसे पहले आपको कोड दिखा देता हूं कि जो आपने कंट्रोल नोट पैड में, सबसे पहले आपने नोट पैड ओपन करना है, नोट पैड ओपन करना है। इसमें मैंने तो कोड सेव किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले कि कोड हमारे पास क्या है। जैसे कि ये देखें आतिफ, नहीं ये वाली फाइल गलत है, ओपन करता हूं तो इसमें मैंने सबसे पहले हेलो फाइल होगी, हेलो, ये देखें हेलो फाइल, ये मैं कोड आपको जूम करके दिखा देता हूं, नहीं इसी तरह दिखा देता हूं आपको समझ नहीं आएगी। इसी तरह सबसे पहले ये वाला कोड आपने अपना नोट पैड ओपन करके ये कोड आपने जो है वो लिख लेना है अपने नोट पैड पे। उम्मीद करता हूं कि ये आपने पॉज करके वीडियो ये कोड आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट से आगे जो है वो कोड मैं आपको बोल रहा हूं कि ये भी लिख लें। जी लिख लिया, उम्मीद है कि आपने ये कोड भी उतार लिया होगा अपने नोट पैड पे। नेक्स्ट, अब ये हम शॉर्ट रिजल्ट के बाद जो है ये वाला कोड कॉपी करने के लिए आपको बोलता हूं। उम्मीद है कि आपने ये भी कोड पॉज करके वीडियो को उतार लिया होगा अपने नोट पैड में। नेक्स्ट, ये 3 लाइंस है, ये आपने जो है ये भी ऐड कर लेनी है। अब मैंने आपको चेंजिंग क्या बतानी है, ये देखें, ये जो है ये एक स्टूडेंट की VUID है BC के बाद। अब आपने जैसे कि आपका BC के पास 2 3 0 4 0 7 जैसे आपका रोल नंबर है, आपके कोमा के बाद आपने अपना रोल नंबर बस इस कोड में अपडेट करना है। उसके बाद ये असाइनमेंट करने के लिए आपके पास 2 सॉफ्टवेयर होने जरूरी हैं, जिसमें आपके पास SM सॉफ्ट, ये देखिए मैंने सर्च किया हुआ है पहले ही, ये इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना बहुत आसान है कि इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे तो इस जगह पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इधर क्लिक करेंगे तो आपके पास जिप फाइल आ जाएगी, तो वो सिंपल आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद सेकंड आपके पास डॉस बॉक्स होना चाहिए, ये आप डॉ
डोज बॉक्स जो है ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर गणित से लिखा गया है, इसे आपने डाउनलोड कर लेना है, या इस तरह आपसे डाउनलोड ना हो तो आपने लिख लेना है गेट इनटू पीसी डॉ बॉक्स, ये आपने डोज बॉक्स डाउनलोड कर लेना है इस तरह, ठीक है। जब ये भी आप डाउनलोड कर लेंगे, ये भी जिप फाइल आएगी, फिर इसे आपने हेयर कर लेना है किसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में जिसे आपने सेव कर लेना है। फिर ये देखें, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि ये जो फाइल है नोट पैड वाली, जिस जगह पे आपने एसएम सॉफ्ट डाउनलोड किया है उस जगह पे ये वाली फाइल डाउनलोड सेव करनी है। ये देखें, अब मैं सेव है, ये मेरे पास सेव है। ये देखें, आपने ई ड्राइव में मैंने रखा हुआ है एसएम सॉफ्ट, ई ड्राइव में पहले जाना है, फिर आपने जाना है एसएम सॉफ्ट में जाना है, ठीक है। एसएम सॉफ्ट भी मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था, आपने एसएम सॉफ्ट में जाना है, ये स्पेलिंग देख लेने हैं इसमें आपने। ये देखें, सबसे पहले इसका नाम जो भी आपने रखना है, इसमें स्पेस नहीं रखनी, जैसे मैंने रख लिया हेलो डॉट एसएम, ये आपने इस नाम से सेव कर लेना है, कैपिटल है, आपने इसको स्मॉल में कर लेना है, ये मेरे से गलती से हो गया, एसएम सॉफ्ट डॉट एसएम सॉफ्ट करके आपने सेव कर लेनी है फाइल। फिर देखें, उसके बाद आपने डॉट बॉक्स जब डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये फिर ये कोड आपके पास सेव हो गया, फिर आपने ये डॉट डॉस बॉक्स ओपन करना है, इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। फिर सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके पास होगा कोई भी, आपने लिखना है MOUNT, ये आपने एक कमांड लिखनी है, फिर स्पेस देनी है, कोई भी अल्फाबेट ABCD कोई भी, मैं डी यूज कर लेता हूँ, स्पेस दे देनी है, फिर आपने वो लिखना है जिस जगह पे आपने एसएम सॉफ्ट डाउनलोड किया है। आपने ई में डाउनलोड किया है तो ई लिखना है, मैंने ई में किया है, मैं ई लिखूंगा, फिर आपने कॉमा डालना है, सेमी कोलन लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने दो डैशेस लगानी है, ये जो ई ड्राइव ये इधर भी आपको शो होगी कि इसी तरह ये लगाते हैं, ये देखें ई ड्राइव जब हम शो ई करेंगे तो इसमें देखें इसी तरह ये लगाया हुआ है। इसी तरह आपने इधर इस फाइल इस ई ड्राइव में जाना है, तो इस ड्राइव में जाके आपने किधर जाना है, आपने जो फोल्डर बनाया है एसएम सॉफ्ट का, जिस तरह स्पेलिंग उधर है उसी तरह ये भी फोल्डर का आपने जो है नाम लिखना है, फिर आपने एंटर प्रेस करना है। जब एंटर प्रेस कर देंगे फिर आपने ये जो आपने अल्फाबेट लिखा था डी, इसको लिख के फिर सेमी कोलन लगा के, ठीक है, कोलन लगा के फिर एंटर प्रेस करना है, फिर आपके पास आपने लिखना है NASM, NASM लिख के फिर जो आपने कंट्रोल पैनल में इसका नाम सेव किया है, मैंने सेव किया है हेलो, ठीक है, डॉट एसएम सॉफ्ट, ठीक है, तो मैं यही लिख के उसके बाद माइनस ओ फिर हेलो लिख के, जैसे मैंने फाइल सेव किया आप लिखेंगे डॉट कॉम, जब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास फिर आपने एक कमांड लिखनी है AFD, AFD लिख के फिर आपने लिखना है हेलो, जो हमारे पास था हेलो फाइल का नेम, फिर डॉट फिर कॉम, ये लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है, ये देखें डॉट कॉम, ये इसी तरह आप पॉज करके ये भी कमांड लिख सकते हैं, आप ई में सेव कर लें, जिसमें मर्जी सेव कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं अब अगला जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस, तो ये हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एंटर प्रेस किया है सो तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये आपका इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपने लिखना है M2
फिर उसके बाद स्पेस देनी है, फिर आपने लिखना है 103, ये आपने लिख के फिर एंटर प्रेस कर देना है। ये देखे नीचे आपके रोल नंबर आ चुका है, जैसे कि ये एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, मेरा ही समझ ले ये मेरा रोल नंबर है, ये फर्स्ट लाइन में आ गया है, नीचे 00 है। फिर आपने क्या करना है, किसी किसी का F1 जो है जो कीबोर्ड पे वो सीधा ही यूज हो जाता है, किसी किसी का FN के साथ यूज होता है। जैसे कि आपके FN के साथ यूज होता है तो आपने दबाई जाना है, दबाई जाना है, दबाई जाना है, आपने तब रुकना है जब इधर आ जाएगा 4C00 आ जाएगा, फिर आपने रुक जाना है क्योंकि उसके बाद फिर प्रोग्राम एंड होने वाला होगा। तो जैसे ही ये देखें कि मैं चला रहा हूं, मैं बहुत स्पीड से F1 प्रेस कर रहा हूं, तो आपने ध्यान रखना है जैसे ही FC04 आप ये देखे गुजर चुका है। अब दोबारा से करते हैं कि फिर से हमसे गुजरे ना, फिर प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। अब ऐसा कर देते हैं ताकि गुजर न जाए। ये देखें, ये देखें आने वाला है, बस परेशान। ये देखें F4C00 आ गया। अब आपने एक एक करके प्रेस करना है, ये देखें प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ओके। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसी तरह इस जो पैथ है इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर आपने एक न्यू फाइल ओपन करनी है वर्ड की, वर्ड की जब आप एक न्यू फाइल ओपन करेंगे उस जगह पे आपने ये प्रोग्राम का कोड एंटर करना है। उसके बाद आपने ये जो मैंने इस जगह पे अपलोड किया है इसी तरह आपने अपलोड करके फाइल सेव करके अपने LMS पे अपलोड कर देना है। तो ये आपका प्रोग्राम हो चुका है। तो इसी तरह आपने अपना प्रोग्राम करके फाइल सेव करके ये सेम जैसे ये है वैसे ही दूसरा है, दूसरा मतलब कि प्रैक्टिकल बुक जो है उसका भी सेम है, और सिंपल जो है CS401 इसका भी सेम ही तकरीबन कोड है। दोनों कोड मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो वो आपने जो है उसको उधर से कोड को कॉपी कर लेना है, या आपने ये खुद राइट कर लेना है। अगर आप नीचे ये कोड में हल्की सी भी स्पेस छोड़ देंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। जिस तरह मैंने तरीका बताया इसी तरह आप करेंगे, इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर करें। उसके बाद मैं आपको अब तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से आपने जो है ये फाइल डाउनलोड करनी है। ये मैं एक यूट्यूब चैनल ओपन कर लेता हूँ एक डिफरेंट मेल से, जिसमें मैं अपना एक ओपन कर लेता हूँ अकाउंट। ये है मेरा अकाउंट वेब मेंटर मैजिक, ठीक है। ये जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल पे, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। ये देखें जैसे कि ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो में आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने सेव करना है। ये देखें नीचे मैंने सबसे पहले लिंक दे दिया, इसको आपने ओपन करना है। लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक सिक्योरिटी आ जाएगी जिसमें कंटिन्यू टू लिंक आ जाएगा, लिंक टू गो टू लिंक आ गया, टू गेट लिंक आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब चैनल करना है, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करना है। इधर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। फिर जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको लाइक करेंगे तो ये सब स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो गेट लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे एक अलग पेज पे जाएगा, उधर लिंक को आप जब प्रेस करेंगे तो आपके पास कोड आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आपने दोस्तों से शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।